जैतारण विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा आम चुनाव 2023 जो कि 25 नवंबर 2023 को चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आएंगे। लेकिन मतगणना के पूर्व लोगों के द्वारा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र से जीतेगा। वहीं एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में एक नारियल है और प्रत्याशियों के नाम लेकर बोला जा रहा है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। और जिस प्रत्याशी की जीत को लेकर नाम लिया जाता है तो वो नारियल उसके हाथ में नारियल खड़ा हो जाता है। तो अब देखना ही है कि आखिर ये अंधविश्वास में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये वीडियो में जो लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लगातार लोगों के द्वारा भी इस वीडियो को देखा जा रहा है, तो ऐसे कई अनेकों तरह के कयास जो कि लोगों के द्वारा जैतारण विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की जीत को लेकर लगाए जा रहे हैं। वीडियो बढ़िया चल रहा है। अविनाश जीते तो खड़े रहे भाई, और मतलब एक लेडीज जीते तो खड़े रहे, ठीक नहीं रही। गोयल साहब जीते तो खड़े रहे, नहीं रही। दिलीप चौधरी जीते, दिलीप चौधरी जीते तो खड़े रहे, ठीक है। मुकुट सिंह जीते तो खड़े रहे, नहीं। लक्ष्मण नाथ जीते तो खड़े रहे, गोपाल सिंह जीते तो खड़े रहे, और भगवान सिंह जीते तो खड़े रहे, नाथू सिंह खड़े रहे, दिलीप चौधरी जीते तो खड़े रहे।